अध्याय 11। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में आए थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पत्रस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि उसने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पत्रस ने उन्हें आरंभ में क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर मैंने एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और ये शब्द भी सुना, हे पत्रस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसे ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो तुरंत तीन मनुष्य जो केसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा। ये छह भाई भी मेरे साथ ही हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए। उसने बताया कि मैंने एक स्वर्ग दूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। सो जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वो अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे और उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया।